देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। शहर के संगम नगर स्थित राम मंदिर पर श्री राम कथा के दिव्य आयोजन का शुभारंभ रविवार 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे संगम नगर 20 सेक्टर स्थित संत निवास से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, घोड़े, बग्घी, ढोल, ताशे, भजन एवं गरबा मंडलियां शामिल थी। शोभा यात्रा संगम नगर के 20 सेक्टर, ए सेक्टर, स्कीम 51 मॉल सहित विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए श्री राम मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा से पूरा क्षेत्र धर्ममय नजर आ रहा था। गोविंद पवार ने बताया, सोमवार 26 दिसंबर को 3:30 बजे दोपहर व्यासपीठ पर विराजित होकर देश विदेश में दीदी मां के नाम से प्रख्यात मंदाकिनी श्री राम की कर के श्री मुख से राम कथा में शिव महिमा प्रसंग की वर्षा होगी। श्री राम शुभ शक्ति मंदिर शैक्षणिक एवं पारमार्थिक समिति के गोविंद पवार, अरविंद गुप्ता, अनूप जोशी ने बताया, भारत सरकार द्वारा परमाणु विभाग में अनुसंधान हेतु फेलोशिप के लिए चयनित तो माइक्रोबायोलॉजी में MSc डिग्री को स्वर्ण पदक सहित प्राप्त करने वाली दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर इस बार श्री रामचरितमानस में शिव महिमा पर केंद्रित श्री राम कथा कर रही हैं। कथा प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे तक होगी। प्रसाद वितरण एवं आरती का आयोजन प्रतिदिन शाम 6:30 बजे होंगे। कथा स्थल पर महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक बैठक व्यवस्था के साथ निःशुल्क वाहन पार्किंग, सुरक्षा, साफ सफाई सहित समुचित प्रबंध किए गए हैं। संगम नगर में तीसरी बार कथा होने जा रही है। परम पूजनीय दीदी माँ मंदाकिनी देवी जी के मुखारविंद से कथा प्रारंभ होगी। आज शोभा यात्रा निकलेगी। 26 तारीख से 1 तारीख तक दोपहर 3 बजे संगम राम मंदिर में कथा का आयोजन रखा गया है संगम नगर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय 3:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और संगम नगर राम मंदिर पर होगा। आज ये शोभा यात्रा कहाँ कहाँ भ्रमण करेगी? संगम नगर में जैन मंदिर से प्रारंभ होकर संगम नगर 20 सेक्टर, ए सेक्टर, संगम नगर स्कीम नंबर 51 होते हुए राम मंदिर पर समापन होगा। जी जी, ये कथा कहाँ पर हो रही है, किनके मुखाकिन से हो रही है, आज क्या कौन सी यात्रा निकल रही है? ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि इस बार हम लोग तृतीय राम कथा का यहाँ पे आयोजन संगम नगर किला मैदान के पास में इंदौर में कर रहे हैं। और ये राम किंकर जी की जो शिष्या है परम पूज्य मंदाकिनी दीदी माँ, उनके मुखारविंद से रामचरित मानस में शिव महिमा, इस पर आधारित आपकी व्याख्यान होगा, कथा होगी। और ये सप्त दिवसीय कथा का आयोजन उन्होंने करा है और ये 26 तारीख से लेके 1 जनवरी तक के लिए किया गया। आज कलश यात्रा निकल रही है, शिव जी का इसमें प्रसंग भी दर्शाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी जरूर, इसमें शिव जी का तो ये 7 दिन का प्रसंग है और शिव जी पर आधारित इस बार कथा रहेगी, तो शिव में ही वातावरण रहेगा पूरा। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है? कलश यात्रा ये संत निवास है, कौशिक जी का मकान है आपका, यहाँ पे संत निवास है, यहाँ से चल करके करीब 2 किलोमीटर की यात्रा करके राम मंदिर कथा स्थल पे जाएगी। ये जो कथा हो रही है राम कथा, क्या कहना चाहेंगे इस राम कथा? राम कथा का, राम कथा में शिव महिमा का पाठ होगा, वो हमारी मंदाकिनी दीदी माँ करेंगी। शिव जी की कथा होगी, राम जी की कथा में क्या कहना चाहेंगे? रामचरित मानस, रामचरित मानस,
रामचरित मानस में ही शिव महिमा है, तो उसी का वो करेंगे। पूरा सातों दिन शिव महिमा पे आधारित रहेगा जी, सातों दिन शिव महिमा पे।